तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अपकमिंग वैकेंसी के बारे में और कुछ जो कि आपको बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे जो कि जॉब वैकेंसी जो अप्लाई करने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहे, तो फ्रेंड आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पर मैं आपको बता दूँ कि मैं बिहार की एक वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि इसका अप्लाई तो शुरू हो चुका है बट इसमें काफ़ी स्टूडेंट को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है। इसमें फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ जो कि बिहार DLRS का LRC की तरफ से जो कि एक वैकेंसी आया है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे अमीन क्लर्क असिस्टेंट स्टेटमेंट ऑफिसर इस तरह का जो की वैकेंसी है। फ्रेंड मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर फॉरम रीओपन किया गया है, मतलब फ्रेंड आपको मैं एक चीज और बता दूं इसमें इस फॉरम का जो है कि पहले जो कि इसका पहले मेरिट बेस पे इसको अप्लाई किया गया जा रहा था जो कि उसको कैंसिल करके फ्रेंड अब इसमें एग्जाम सिस्टम कर दिया गया है जो कि स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं 13 अप्रैल से ये जो कि स्टार्ट हो चुका है और 12 मई तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। फीस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सारा चीज आप चेक कर लेंगे। इस फॉरम में दिक्कत ये आ रही कि जो भी कैंडिडेट अमीन के लिए अप्लाई कर रहा है बट उसमें उसका जो है कि डिप्लोमा मांगा जाता है बट उसका अप्लाई नहीं हो रहा है जो कि उसको LE का जो कि उसमें प्रॉब्लम कुछ आ रहा है जो कि लेटरल एंट्री जो होता है लेटरल एंट्री वाला जो कि जिसने भी जो कि कोर्स किया हुआ है डिप्लोमा में उसको ये भरने में प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं ये हालांकि जो है कि वेबसाइट की तरफ से जो है कि जो वेबसाइट डेवलपमेंट है जो कि उसी की तरफ से इसमें ज्यादातर जो है कि इसमें वेबसाइट में कुछ चीजें मिसिंग होने की वजह से फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है अमीन का। आपको फ्रेंड सिंपली इसमें करना ये है कि आपको इस मेल ID पे आपको मेल करना है, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको जो है कि इस मेल ID पे मेल करना है। हालांकि फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि मैंने एक मेल क्या हुआ है बट मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं आया और दूसरी बात मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का मैंने चेक किया तो उनको जो रिप्लाई किया गया है जो कि उनको वेट करने के लिए बोला गया है जो कि बहुत ही जल्दी वेबसाइट में सुधार किया जाएगा। तो आपको कुछ समय के लिए वेट करना है फ्रेंड, उसके बाद आपको जो कि वापस से अप्लाई करना है। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं सेकंड नंबर में अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। जैसा फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं BSF जो कि हेड कांस्टेबल की तरफ से RORM का जो कि रिक्वायरमेंट यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई हुई फ्रेंड देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टार्टिंग डेट फ्रेंड 22 अप्रैल से जो कि स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद जो कि 12 मई इसका लास्ट डेट रखा गया है फ्रेंड देख सकते हैं। इसकी पेमेंट की बात करें तो फ्रेंड अगर जनरल OBC WS से आते हैं तो आपको 100 रुपीज चार्ज देना पड़ता है और वहीं पे बात अगर SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर आप कोई भी पेज कैंडिडेट है तो आपको उसमें किसी भी तरह का कोई फीस नहीं लगता है। ये फ्रेंड ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी आते हैं तो वैकेंसी को भर सकते हैं और इसमें वनली पोस्ट फ्रेंड देख सकते हैं आपका जो कि 247 इसमें रखा गया है। और बाकी बात करते हैं एज के लिए फ्रेंड तो आप यहाँ पे एज देख सकते हैं 18 से 25 आपका जो कि रखा गया है। थर्ड नंबर पे फ्रेंड बात करते हैं कि आपने जिसने डिप्लोमा LEC किया हुआ है लेटर एंट्री से देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड उसके लिए जो कि बहुत अच्छी अपडेट आई, उसके लिए जो एक नया वैकेंसी फिर से निकल के आ रहा है देख सकते हैं जो कि स्टार्टिंग जो कि 17 अप्रैल से होने वाला है, 8 मई इसका लास्ट डेट रखा गया फ्रेंड। ये फ्रेंड उनके लिए जो डिप्लोमा जो किया है जिसने डिप्लोमा किया हुआ है जो कि जो LE सब्जेक्ट से किया हुआ है लेटर एंट्री देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है LE इसका जो कि वैकेंसी है आप इसको इजिली फिल कर सकते हैं फ्रेंड। आपको सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी वेबसाइट का लिंक आप सिंपली वहां से क्लिक करके ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका हालांकि 17 अप्रैल से जो स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड तो ये अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। और बात करते फिर फ्रेंड यहीं पे फीस के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जनरल OBC कैंडिडेट EWS आते हैं तो आपको जो है कि 2200 रुपए फीस लगता है यहाँ पे और SC ST से भी आते हैं तो सेम फीस है, मतलब आपका ऑल कैटेगरी का जो है कि सेम चार्जेस रखा गया है, चाहे फीमेल हो या SC ST हो या जनरल हो, आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं आपका यहाँ पे सभी में सेम ही चार्जेस लगते हैं इस फॉर्म को फिल करते समय। इसका लास्ट डेट फ्रेंड 8 मई रखा गया है, बाकी देख सकते हैं आप इसे ऑफ। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं एडिट करेक्शन, अगर आप एप्लीकेशन को करना चाहते हैं तो 10 से 11 मई आपको एडिट करेक्शन के लिए दिया जाएगा क्योंकि अगर आपको फॉर्म फिल करते समय किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। बाकी एडमिट कार्ड का इसका देख सकते हैं 28 मई रखा गया डेट एडमिट कार्ड के लिए और एग्जाम डेट 11 जून 23 रखा गया है। बिहार के लिए ये लोकेशन है फ्रेंड, आप बिहार के अगर स्टूडेंट है तो आप इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी किसी तरह का अगर आपको समस्या आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। चौथे नंबर पर फ्रेंड बात करते हैं कि आप अगर ITI के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं बिहार ITI के लिए तो देख सकते हैं बिहार ITI के लिए जो कि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर लिया, आप जाके फुल वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसका फ्रेंड स्टार्टिंग डेट दे सकते हैं आप यहां से 15 अप्रैल रखा गया, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 13 मई तक रखा गया फ्रेंड। फीस की बात करें फ्रेंड तो जनरल OBC के लिए 750 रुपए, SC ST कैंडिडेट अगर आप आते हैं तो 100 रुपीज और PH कैंडिडेट आते हैं तो 430 रुपए आपसे जो कि लिए जाएंगे, जो कि अगर आप एडिट करना चाहते हैं फॉर्म को तो 15 से 16 मई के बीच आप एडिट कर सकते हैं और एडमिट कार्ड 1 जून से इसका जो कि रिलीज कर दिया जाएगा फ्रेंड। ठीक है, डिटेल्स पढ़ने के लिए फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड बात कर
करते हैं। अगर आप जो है कि बीएन मंडल से पार्ट वन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि फ्रेंड मैं आपको बता दूं बिहार में जो है कि बिहार में बहुत बड़ा अपडेट किया गया है जो कि यूजी को लेकर के, मतलब कि आपका जो अगर आप ग्रेजुएशन करते तो वो अब आपका 4 साल के लिए किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, आपका बिहार में टोटल भी कोई भी अगर आप यूनिवर्सिटी से अगर आप यूजी करते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 4 साल का कोर्स होगा। और उसके बाद फ्रेंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कि बीएन मंडल यूजी पार्ट वन एडमिशन के लिए जो कि 2023-26 का जो है डेट एडमिशन जो है कि इसका जो डेट है जो कि समथिंग जो डेट इसका आने वाला है फ्रेंड, देख सकते हैं आप यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम के लिए ऑनलाइन मोड से आपका जो है कि अप्लाई होता है फ्रेंड, आप सभी को पता है। उसके बाद जो स्टार्टिंग डेट इसका रखा गया फ्रेंड, देख सकते हैं 27/6/2023 इसका स्टार्टिंग डेट रखा गया और उसके बाद 11/7/2023 इसका लास्ट डेट रखा गया फ्रेंड। ये फ्रेंड संभावित डेट जो कि फिक्स किया गया, बट अभी अभी ये कंफर्म है या नहीं, या आपको जो है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको वहां से जो है कि आपको मेरे चैनल पे रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे सभी चीज के। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं अगर आप जो है कि टीएमबीयू यूजी एडमिशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड इसका अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5/4/2023 इसका जो है कि अप्लाई डेट रखा गया था, उसके बाद 30/4/2023 जो की लास्ट डेट रखा गया फ्रेंड, देख सकते हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है कि ये अपडेट है। और इसका भी सेशन फ्रेंड आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया बिहार में जो है कि 4 साल के लिए सेशन कर दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए फ्रेंड, जैसे अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आईटीआई भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको अपडेट बता मैंने बता दिया आपको। उसके बाद फ्रेंड अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो बिहार पॉलिटेक्निक का जो है कि उसका भी अप्लाई जो कि बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट कमिंग सून में फ्रेंड लिखा हुआ है। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपली जैसे ही फ्रेंड अप्लाई होता है तो आपको जो है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहां से आपको तुरंत वीडियो जो है कि मिल जाएगा कैसे फॉर्म को फिल करता है। तो आईटीआई देख सकते हैं पॉलिटेक्निक का जो कि फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेट निकल के आ चुका है, जो अभी इसका जो कि कंफर्म डेट अभी रिलीज नहीं किया गया फ्रेंड, जो कि अभी अपडेट सुन में है, आपको बहुत ही जल्द इसका कंफर्म डेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी किसी भी तरह का फ्रेंड अगर आपको प्रॉब्लम या कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।